टुडे वी आर मेकिंग बैंगन की सब्जी। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक मिक्सी जार में टोमेटोज डाल लिए हैं, ग्रीन चिली एक ही डाली है और अनियंस डाल लिए। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालिए। अब हमने इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है और उसका ढक्कन बंद करके उसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया और जीरा डाल दिया है, इसे थोड़ा पकने देंगे। और फिर अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप क्यों हंस रहे हैं? अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे जो भी हमने बनाया था। और अब मसाले में बताऊंगी, मैं बोल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे कुक कर लेंगे। चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नहीं आया नहीं अभी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, नहीं डाला सॉल्ट आपने, सॉल्ट। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे स्लो फ्लेम पे, फिर से मिक्स कर लेंगे एकदम परफेक्टली। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद हो तो आप 2 टीस्पून के बदले 4 टीस्पून डाल दीजिए। और ये देखिए हमारा खाना अच्छे से पक गया है। खाना नहीं पक गया, मसाला भून गया है। अब आप इसमें सब्जी डाल दीजिए। ये है बैंगन, मिर्ची, टमाटर, हमने ये लंबे लंबे बैंगनों को काट लिया है। और ये सब डाल के हम इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। आपको पूरी तरीके से मिक्स करना है ताकि हर एक बैंगन में मसाले का स्वाद आए। जल्दी जल्दी मिक्स कीजिए आप तो हम आगे जाए। अब हमने इसे ढक दिया था और उसे कुछ देर के लिए कुक करने रख दिया था, तो उससे ये एकदम रेडी हो गया, एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है। अब हम इसमें हम उसके ढकने वाला सीन बताना ही आपको भूल गए, सॉरी। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे दही डालने के बाद भी। परफेक्टली मिक्स करना है ताकि मसाला, दही, बैंगन सब भून जाए। आप चाहें तो इसमें जीरे की जगह मेथी दाने का भी खदान कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारे पास मेथी दाना खत्म हो गया था इसलिए हमने जीरा डाल दिया। अब